जीत रहा है जीतेगा हाथी जीतेगा जीत रहा है जीतेगा हाथी जीतेगा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बंदर तो कुशवाहा जिंदाबाद 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 वही माया

नमस्कार एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव अभी हम मौजूद हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार विनय पांडे जी मौजूद हैं विनय जी अब महज दो या तीन दिन रह गया है चुनाव में तो अभी तक का कैसा अनुभव मिला है आपका जनता का आप अपना अनुभव हमारे चैनल के थ्रू जनता को पहुँचाएँ अनुभव बहुत बेहतरीन है आ इतना प्यार मिल रहा है लोगों का कि मन गदगद हो रहा है जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग इतना दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं ले रहे हैं कि इस बार आपको इस बार हाथी छाप को तो इससे सुन सुन करके और जो हमारे साथी हैं जो घूम रहे हैं वो भी गदगद और हम भी गदगद विनय भैया जिंदा जी विनय भीना जी अभी भी आप दौरे पे हैं काफी दिनों से आपका दौरा चल भी रहा था लगातार आपसे आपसे बातचीत हो रही थी एटीएन लाइव की तो क्या अभी भी कोई क्षेत्र बाकी है क्या देखिए क्षेत्र बहुत लंबा है और मेरा प्रयास है कि हर गली हर दरवाजे हमको जाना है तो एक दिन में दस बारह आठ गाँव ही हम कर पाते हैं वैसे हमारे लोग तो हर दरवाजे पे जा चुके हैं लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अंतिम क्षण तक जितना घर से घर हम टेकअप कर लें या जितने लोगों से मिल लें ये मेरा पॉजिटिव वे रहेगा ये हमारा और दूसरा चीज़ कि विधायक बनने के बाद जब हम जाएंगे लोगों का समस्या देखेंगे भौगोलिक स्थिति देखेंगे किसका घर कहाँ है पहचान करेंगे तब असली विधायक का मीनिंग है घर बैठ के विधायकी करना अच्छा नहीं है ये बताइए कि अभी तेजस्वी जी आए थे रघुनाथपुर में वो जो क्या जगह का नाम है पे तो जो विधायक जी का जो हरिशंकर यादव जी का जो चिमनी है वहाँ पे आए थे तो क्या लगता है कि उनके आने से क्या आपका वोट कुछ कट रहा है क्या आपकी जो जनता है जो आपको वोट देगी उसमें किसी तरह का नानुकुर देखने को मिल रहा है क्या आने के लिए लोकसभा में लोग नहीं आया था तेजस्वी जी भी लोकसभा में आए थे कहाँ कुछ प्रभाव पड़ा मैडम हार गई चुनाव बात समझ रही है ना तो आने से कुछ नहीं होता है उन लोगों को जनता नकार चुकी है पंद्रह साल उनके घर का शासन सब लोगों ने देखा है अभी आज तक याद रखा है तो अब ये भोली भाली जनता सब समझ चुकी है और हम लोग समझा दिए हैं कि किसी के आने जाने में कुछ नहीं है आप वोट कीजिए हमको वोट करने के लिए लोग तैयार है सारा लोग मन बना चुका है आज हम लगभग आप थोड़ा हम कम, कम कम समय दे रहे हैं पर पंद्रह गांव अभी तक पंद्रह गांव हम टेकअप किए हैं तो लोगों का अब माइंड सेट हो चुका है लगभग लगभग हम सेंस कर रहे हैं कि सेट हो गया है कि हमको वोट कहाँ करना है और सारे लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार बीएसपी को वोट करना है, पांडे को जिताना है हाथी छाप का बटन दबाना है। सर आप बताइए हरिशंकर यादव जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है जो भी दूसरे दल के लोग जो हैं, जो लड़ रहे हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या ये बात सच है देखिए जितने उम्मीदवार लड़े हैं यहाँ पर तो वो अपने से कह रहे हैं कि किसी से नहीं लड़ाई है तो हो सकता है कि सबसे पिछले पावधान पर वो होंगे इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा किसी से लड़ाई नहीं है यानी कि इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है देखिए यहाँ किसी तरह तो का अंतर नहीं पड़ने वाला है यहाँ परिवर्तन के लहर जाग चुकी है पूरे रघुनाथपुर विधानसभा के जनता को परिवर्तन करने की लहर है आ इस लहर में विनय पांडे जी को जिताने के जनता मुंड बना लिया है इस बार बटन दबाएगी जनता तीन तारीख को तीन नंबर पर हाथी वाले छाप पर एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से विनय जी आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि आप किसी के बहकावे में न पड़े आपका वोट बहुत कीमती है किसी प्रलोभन में न पड़े आप अपने उम्मीदवार को जो मन आप बना लिए हैं उस उम्मीदवार को तीन तारीख को जाइए आप तीन नंबर का हाथी छाप वाला बटन दबाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए सर आप कुछ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करिए जब समर्थन कैसा मिल रहा है आपको जनता का आप तो कई जगह बैठ ले चुकी हैं और सभी जगह पूरे जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रत्याशी ब्राह्मण हैं टोटल ब्राह्मण वर्ग का वोट मिल रहा है हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए पूरे दलित सेंट परसेंट वोट दे रहे हैं कुशवाहा वोट दे रहे हैं कहने का मतलब है कि हमारे सभी बिरादरियों में हमारा वोट है और हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे कितने का डिफरेंट माना जाए अभी जब मेरी हरिशंकर जी से बात हुई तो वो बोल रहे थे कि पचास हजार वोटों का डिफरेंस होगा वो तो बोल दिए हैं कि पचास हजार वोट से नीचे रहेंगे ऊपर नहीं जाएंगे है? हम लोग बहुत अधिक वोट से जीतेंगे मतलब इसकी कोई अनुमान नहीं है अनुमान तो जरूर है जिस तरह से हम पूरे क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं उस अनुमान है कि हम कम से कम दूसरे प्रत्याशी से कम तीस से कम तो पच्चीस जी और उनके कुछ समर्थकों से बात की उसके बाद ये पता चलता है कि रघुनाथपुर क्षेत्र की जनता का पूरा मूड जो है वो बीएसपी के तरफ है इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि विनय पांडे को ही अपना विधायक बनाना है अब 10 तारीख को देखना ये होगा कि परिणाम क्या निकलता है हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव एटीएन लाइव रघुनाथपुर